मैं तो अभी भी कभी कभी चेंबूर की तरफ जाता हूँ ना, हाँ जी, मैं तो एक बार कम से कम गाड़ी को रोक के ना, आई एम ए वेरी, वो मेरा थोड़ा सा है इमोशनल जी, कुछ कुछ चीज है, मैं आरके स्टूडियो के सामने खड़ा हो जाऊँ. वाह यार, बिकॉज आई हैव बीन टू दैट आरके स्टूडियो, आई हैव शॉट इन दैट आरके स्टूडियो, आई हैव सॉ, आई यूज्ड टू गो विद माय डैड, मैंने देखा राज कपूर जी को, एक उनका एक छोटा सा ऑफिस था वहाँ पे उनका जमीन पे, और सब पियानो वगैरह, तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट राज कपूर फॉर मी, तो दे आर लाइक, एंड डैडी ऑल्सो यूज टू फील दैट दे आर दी, उन लोगों के टाइम पे भी राज कपूर लेजेंड्स, एंड मेरा डैडी बहुत अच्छा मानते थे, इनफैक्ट राजी और डैडी का बर्थडे भी सेम डे, यस 14 दिसंबर, मेरा तो मैंने ना थोड़े अच्छा, सो व्हेन आई गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, कभी मैं पास करता हूँ ना, मैं अपना गाड़ी को बोलता हूँ यार यहाँ पे रोको एक बार, दीज आर सलाम करेंगे, फॉर मी इट आर, इट्स मोर लाइक ए मंदिर, यू नो, इट्स लाइक व्हाट फिल्म दे मेड गुरुदत्त साहब. अब अभी हम लोग नरगिस दत्त रोड पे आए हैं, बिल्कुल क्या टाइमिंग है. मैंने बोला गुरुदत्त जी राज कपूर और हम लोग नरगिस दत्त रोड पे आ गए, क्या आगे ऋषि कपूर जी रहते, यस थोड़ा सा पहले आगे. आपका बॉलीवुड का मैंने प्यार किया कभी कुछ कहानी आपने मना कर दिया तो बोलते हैं मना नहीं किया, वो छोड़िए ना, मैंने मना वना नहीं होता है, देखो जिसके नसीब पे जो है वही है. एग्जैक्टली, और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के सबसे बड़ा स्टार, वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टार जो हमें चाहिए था, वो लिखा हुआ था मैंने प्यार किया, वो चाहिए भी था, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टार, ग्रेटेस्ट एक्टर, आई लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिम. व्हाई डू आई टॉक अबाउट अ हिंदी फिल्म, मैंने लाइफ में ऐसा भी हिट, ऐसा भी फिल्म छोड़ा, बाद में देखा गया कि वो पिक्चर 50 वीक्स 75 वीक्स चला, मैंने छोड़ा नहीं था, हुआ नहीं, पर या तो मेरा डेट्स का प्रॉब्लम है. व्हाई डू यू रिग्रेट, यू हैव टू गो फॉरवर्ड ना 100%. अभी चर्च आएगा तो हम चर्च पे उतरेंगे, तब थोड़ा सा पब्लिक अपना एक क्विक मत्था टेक के जरूरी होता है. कब आए थे लास्ट यहाँ पर आप? यहाँ पे आते रहता हूँ. अरे वाह, यहाँ पे आते रहता हूँ, इस साइड चर्च पे बहुत दिनों के बाद जा रहा हूँ. हाँ जी, चलिए. अभी भी ऐसा है, क्या बात, ये टाइमिंग हमारा बहुत सही बैठ रहा है. सही, आइए.